चैप्टर टू देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1, आरडी शर्मा के सॉल्यूशन है ये। आपको जीरोस निकालने हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं। देखिएगा आप, एक्स की पावर 2 है यहां पर आपको मिल रही है, इसका मतलब ये है कि सब क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल्स हैं, और रिलेशनशिप बताना है जो जीरोस है और उनके कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये कैसे करते हैं, एक एक करके देखिएगा इसको। सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, अब इसमें यह होता है कि जो जीरोज होते हैं, अगर हम इस x की जगह कोई वैल्यू डालें और ये जो एफ एक्स है ये जीरो हो जाए, इसे ही हम जीरोज कहते हैं। x की जो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जीरो हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको हम इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि आप यहां पर इस तरीके से कुछ करिए कि हम एक फैक्टर ले सके और दूसरा फैक्टर अपने आप आ जाए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास 8 है, इस 8 जो भी हम टर्म ले, जो भी हम टर्म ले वो उसका मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए। तो 4 टू से 8 होता है, और देखिए ये 2 लाना है तो क्या करेंगे, अगर माइनस 4 को 2 से ऐड करूं तो माइनस 2 आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, इस माइनस 2x को हमने लिखा, माइनस 2x को हमने लिखा माइनस 4x प्लस 2x, एक ही बात है, माइनस ये लिखे या x लगा दे साथ में। तो माइनस 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्यों किया मैं बताता हूं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर ये हुआ माइनस 4x लिखा प्लस 2x लिखा आपने और साथ में माइनस 8 कर दिया, तो इससे फायदा क्या हुआ, यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x माइनस 4 अंदर, यहां पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 कॉमन बच गया। कहने का मतलब यहां दोनों जगह x माइनस 4 आ गया, तो x माइनस 4 को पूरे से बाहर ले सकते हैं, इससे हमें x प्लस 2 अंदर मिलेगा, यानी कि हमारे पास दो फैक्टर बन गए। ओके, और दूसरा तरीका एक और भी है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसमें इस ये कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू कौन सी देनी है ये हमें पता चलेगा। खैर यहां पर हम x माइनस 4 और x प्लस 2, यानी अगर मैं इसको जीरो रखने की कोशिश करूं तो x आपका 4 आएगा और x आपका माइनस 2 आएगा। एक्स अगर 4 रख देंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस 2 रख देंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये जो 4 और जो माइनस 2 देख रहे हैं आप, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो सम क्या होता है जीरोज का, सम आपका आया 4 और माइनस 2 आ गया ना आपका, सम करिए जरा इसको, 4 प्लस माइनस 2 क्या होगा, ये 2 होगा ना। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अगर हमने टेक्स्ट में देखा है सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, ये होता है जो माइनस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में लेके चले तो सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाय ए। तो कोएफिशिएंट माइनस करिए, कोएफिशिएंट जो है इसका, यानी कि कोएफिशिएंट आपका एक्स का और कोएफिशिएंट जो आपका एक्स स्क्वायर का है, तो माइनस बी बाय, आप माइनस लगा दीजिए, बी क्या है माइनस 2 है तो यहां माइनस 2 लिख दीजिए, ए क्या है आपका, अगर मैं इससे इक्वेट करूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से इक्वेट करूं तो ए आपका 1 आएगा, ए 1 हो गया, बी आपका हो गया माइनस 2 और सी हो गया आपका माइनस 8। ये मैं कर रहा हूं माइनस बी बाय ए, बी की जगह माइनस 2 रख दिया, ए आपका क्या है 1, माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2, ये और ये बराबर आ गए ना, देखिए तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाय। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है सी और ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये बाय ए यहां का, अब सी क्या निकाला था हमने, देखिए माइनस 8 था तो माइनस 8 रखिए, ए क्या है 1 तो ये माइनस 8 आएगा। अब आपके पास जो ये दोनों टर्म आए थे ना जीरोस 4 और माइनस 2, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए ये भी आएगा माइनस 8, दोनों ही केस में आपका माइनस 8 आ गया, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। तो ये और भी है, इसको ऐसे करते हैं कि मैं ये वाला लेते हैं, ये वाला टर्म ले लेते हैं, बाकी सब आपको ऐसे ही करने हैं, सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। अभी हम ले रहे हैं कि हमको 2√x लाना है, तो पहले हम जीरोज निकालेंगे, वो वैल्यू x की जिसके कारण ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए उसे हम जीरोज कहते हैं। तो अगर देखिए 2√x है, हमको 2√x को इस तरीके से दो भाग में करना है, 2√2x है तो 2√2 को हम ऐसे भाग में करना है दो भाग में कि हमें हमें मल्टीपल 6 आए, मतलब
इसको दो भाग में डिवाइड करिए ताकि जो मल्टीपल है 6 आए और इसका सम या सब्ट्रैक्शन 2√2x आए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम लेते हैं एक टर्म 3√2 और एक टर्म दोबारा 3√2 लेते हैं तो आप देखिए क्या क्या मिलेगा हमें, या √2 लेते हैं, √2। तो एक टर्म 3√2 और एक टर्म √2, तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 3√2√2 हो जाएगा 2, तो यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक, 6 आ गया, मतलब हमारा ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर 2√2 लाना है, तो अगर मैं 3√2 से 3√2 से अगर हम √2 घटा दें तो आपका ये 2√2 आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म भी बन गए। तो इसको हम लिख सकते हैं x²+3√2x - √2x। ठीक, √2√2x को हमने 3√x - √2x लिखा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x+3√2 यहां आ जाएगा। यहां पर भी हम √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 कॉमन लेंगे, तो यहां तो x बचेगा लेकिन अंदर क्या बचना चाहिए, 3√2। क्यों, क्योंकि अब √2 × 3√2 क्या होता है, 6 होता है। तो अगर मैं √2 को बाहर लूंगा तो अंदर 3√2 देना पड़ेगा ताकि ये मल्टीपल होकर 6 आ जाए। तो अब x - √2 एक बन गया और x+3√2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया आपका। तो अगर हम इसको 0 रखें, = 0 रखें, तो x आएगा -3√2 एक टर्म और x आएगा √2, तो ये आपके 2 आ गए। राइट, तो अब हम सीधा सम करेंगे। सम सम जो होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो b क्या है यहां पर, ये तो -2√2/a, a क्या है, 1, ये 1 है, तो -2√2 आ गया। जरा इनको जरा आप सम करके भी देख लीजिए, -3√2 + √2 करेंगे तो भी -2√2 आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। अब जाते हैं हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे हमारे पास जो दो आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके देखें, -3√2 × √2 क्या आएगा, -3√2 × √2 = 2, तो -6 आएगा। और अगर हम c/a करके देखें, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का वो c/a होता है, c क्या है यहाँ पर, -6, a क्या है, 1, तो ये भी 6 आएगा। ठीक, -6 आएगा, तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो ये भी आप कर लेंगे, इसको भी ऐसे करना है। ये SQRT जो लिखा है इसका मतलब स्क्वायर रूट है। तो ये मैं आपके लिए सामने आपके सोल्यूशन है, कोई भी तकलीफ हो तो बताइएगा, लेकिन इसको आराम से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको, जैसे -√3 + 1x लिखा, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप x²-√3x - x + √3, अगर इसको खोली देंगे तो भी आपका फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - √3 आएगा, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, x - √3 आएगा, तो ये अपने आप बन गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x - √3 को बाहर ले लीजिए, x - √3 आ जाएगा, x - 1 बचेगा ये वाला, तो ये आपका आ गया। तो √3 और 1 आपके जीरोज आ जाएंगे, यानी कि इसको जीरो, ये जीरो तब होगा जब x की जगह √3 आएगा, x की जगह जब 1 आएगा, तो √3 और 1 हो गया। इन दोनों को ऐड करिएगा तो -b/a आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आना चाहिए। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है, इसको जरा सा रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको क्या करिए, ये पूरा का पूरा ax² ये होगा ax² a, ये हो गया, और ये होगा x a² ये x, ये नहीं है ax², मतलब केवल हमने a को मल्टीप्लाई किया x² से और 1 से, ये आ गया। फिर -x को मल्टीप्लाई किया a² और 1 से, तो -x a² और x। तो अब देखिएगा कि ये जो टर्म है, अगर हम इसमें से हमको लेना क्या है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ए एक्स स्क्वायर है, इसको यहां ले लेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब इससे हम क्या करेंगे, ए एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस ए बच गया, यहां पर हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो फिर एक्स माइनस ए बच जाएगा। माइनस इसीलिए लिया क्योंकि मुझे ए माइनस एक्स नहीं चाहिए, एक्स माइनस ए चाहिए, इसलिए -1 बाहर लिया। अब x माइनस ए कॉमन ले लीजिए, यह हो जाएगा ax - 1। ठीक, x - a और ax - 1 आ गया। अब इसको पुट करेंगे 0, तो x आपका a आ जाएगा, और x आ जाएगा, अगर मैं ax - 1 को 0 पुट करूं तो ax होगा 1 और x हो जाएगा 1/a, तो x 1/a। ठीक, तो आपके पास कौन सी, ये ax - 1 और ये, तो आपके पास दो चीज आ गई, एक ये और एक ये। तो अगर ये दो जीरोज है, इन दोनों को ऐड करिए, 1/a + a ये आएगा, अगर आप -b/a भी करते हैं तो भी यही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें a/a और a को 1 आएगा, तो c/a करेंगे, अगर इस पूरे इक्वेशन को लेके चले तो c/a भी आपका
वन आएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे। अल्फा और बीटा आपके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको देखिएगा कि जो एफ एक्स है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। कहने का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिएगा इसमें ए हमारे पास है, अगर इसे इक्वेट करें ए वन हो गया, बी आपके पास क्या आ गया बी माइनस फाइव, और सी क्या आ गया आपके पास फोर। तो ए बी सी आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, यानी माइनस बी बाय माइनस और माइनस फाइव, ए क्या है वन, तो ये हो गया फाइव, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाय, सी है फोर ए है वन, तो फोर, ये फोर फाइव और फोर आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां पर फाइव आया, अल्फा इंटू बीटा फोर आया, जो मैंने आपको समझाया। अब अगर हमको ये करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो सबसे पहले 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को मैं करके दिखाऊंगा। ये होगा अल्फा, ये इधर जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अगर आपको एलसीएम वगैरह नहीं समझ आ रहा है तो सबसे बढ़िया इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, और फिर दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा ये तो हो गया, ये माइनस 2 अल्फा बीटा भी है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रख दीजिए क्या 5, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दीजिए 4, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दीजिए 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 27 बाय 4 आ जाएगा। अल्फा और बीटा जीरोज है इस इक्वेशन के, ये हम अभी अभी देख चुके, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। अब देखिए अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की। इसका मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, मैंने आपको बताया था 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होता है, बीटा इधर मल्टीप्लाई करिए, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करिए, और अल्फा बीटा को यहां कर दीजिए। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से इक्वेट करूं तो ए क्या बन रहा है 5, बी क्या बन रहा है माइनस 7, और सी क्या बन रहा है 1। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय, बी क्या है माइनस 7, ए क्या है आपका 5, राइट। तो अगर आप देखें कि इस सिनेरियो में तो आपका फिलहाल आपका जो जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा ये 7 बाय 5 आ रहा है। अब इसको चलने दीजिए, सॉल्यूशन पे ध्यान मत दीजिए, अब इसको चलने दीजिए, सी बाय करेंगे तो आपका 1 बाय 5 आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। तो अगर आप यहां पर रखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा को यहां रखते हैं, यानी कि 7 बाय 5 अल्फा इंटू बीटा में 1 बाय 5, जब ये ऊपर जाएगा तो 7 बाय 5, ये जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, यानी कि 5 बाय 1 हो जाएगा इंटू 5 बाय 1, 5 5 कैंसिल, ये 7 आएगा आपका, ये 7 उत्तर है, इतना ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, आपको 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होता है अल्फा बीटा पर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। यहां पर आपका ए है 1, बी है आपका माइनस 1, और सी है आपका माइनस 4। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए क्या होगा माइनस 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 ऑफ माइनस 1 बाय ए, यानी कि 1, ये आपका 1 है तो 1 आएगा, और सी बाय ए करना है यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या आएगा सी बाय ए, तो माइनस 4 बाय 1। तो जो माइनस बी बाय ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा आपका माइनस 4 आ गया, बस उसको यहां रख दीजिएगा इस जगह, ये आपका 15 बाय 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपके जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका दिया हुआ है, आपको 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा निकालना है। यानी 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा कैसे करेंगे, अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो बीटा को इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, साइन ऐसे रहेगा, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करिए यहां रख दीजिए, और फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिए, बस ऐसा करना है। तो आपको बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेट करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना आ रहा है 1, ए 1 है, बी आपका 1 है, और सी कितना आ रहा है माइनस 2।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय, माइनस बी मैंने कि यानी कि माइनस वन बाय ए, वन यानी कि वन आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी बाय ए माइनस टू बाय वन, तो माइनस टू आएगा। अब इसमें रख दीजिए ये बीटा माइनस अल्फा है, तो अगर इसको बीटा माइनस अल्फा को, बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा है, पहले मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा और अल्फा बीटा नीचे रहेगा। तो अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास है नहीं, कैसे करेंगे इसको? तो अब इसका तरीका ये होता है कि हमको अल्फा, क्योंकि तरीका ये है कि हमको अल्फा प्लस बीटा हुए हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा तो है नहीं, तो ऊपर नीचे चलिए इसको बीटा माइनस अल्फा रहने दीजिए या फिर माइनस, कोई बात नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। अब अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यहां तक ठीक है, यहां तक आ गया। और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा ये अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर किया जाए और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, इसको जरा समझिए। ये तरीका हो सकता है लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो यहां पर दिया हुआ है, और वो समझना जरूरी है कि बहुत सारे सवाल में आएगा ये। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पर आ गया, अगर मैं इसको 2ab और जोड़ देता हूं या माइनस 2ab, ये प्लस होता है सभी, अगर यहां पर मैं आपका प्लस इसको किसी तरीके से ऐसा बना लूं जैसे मैं यहां पर माइनस 4 अल्फा बीटा करता हूं, माइनस और प्लस 4 अल्फा बीटा कर देता हूं, तो क्या आएगा? देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा क्या होगा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस 4 अल्फा बीटा तो है, ये क्या चीज हो गई, ये होगी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को लिखेंगे कैसे, 4 बीटा को, 4 अल्फा बीटा को यहां ले जा लीजिए, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो इसको अंडर रूट कर दीजिए, यहां स्क्वायर है ना, तो यहां आएगा तो अल्फा आपका अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर को मैं यहां ले गया। तो इसीलिए जो ये अल्फा माइनस बीटा है जो यहां पर मैंने शुरुआत की थी उसको हमने क्या किया, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखा है, ये सारी जो कहानी है वो इसके लिए। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, वो हमने अभी भी निकाल लिया था, है ना, वो हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर है होगा बेसिकली, अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी है माइनस 2 यहां पर, तो माइनस ऑफ यहां पर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 बाय 2 यानी कि 3 बाय 2 हो जाएगा आपका, ऐसे आएगा, ये इसका उत्तर होगा। बस इसमें इस पूरे सवाल में एक चीज समझनी है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, जो हमने यहां सीखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बस ये चीज आपको इसमें करनी है। और क्योंकि बीटा माइनस अल्फा हमारे पास है नहीं तो हमने इसलिए इसको अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई किया, ठीक, इसीलिए हमने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास ये टर्म आ जाए। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की, यानी कि इसमें दो जीरोस निकलेंगे, एक जो है वो नेगेटिव है दूसरे का, तो आपको निकाल पता करना है कि k क्या है। तो देखिएगा आप दो जीरो जो है इसके वो मान लीजिए एक अल्फा है एक माइनस अल्फा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि एक ये है एक ये है, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू बी बाय माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है माइनस ऑफ माइनस 8, ये क्या है आपका 4, तो ये हो गया 8 बाय 4 यानी कि 2।
अल्फा इंटू माइनस अल्फा यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर आपका हो गया ये अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा है और ये आपका माइनस एट के आएगा, यहां पे माइनस एट के है। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी कि जीरो इक्वल टू क्या आया आपका, एट के आया माइनस एट के। अब माइनस एट तो जीरो नहीं हो सकता, के को जीरो होना पड़ेगा यानी कि के आपका जीरो है, तो यही से आपका निकल के आ जाएगा। ये आपको अल्फा इंटू माइनस अल्फा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले वाले में मतलब ए प्लस बी यानी कि जो जीरो का सम है वो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, इसको हम इक्वेट करते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। तो ए क्या बना आपका के, ए के हो गया, बी क्या बना आपका टू और सी क्या बना आपका थ्री के, राइट। अब देखिएगा कि अगर इन्होंने कहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो बराबर है प्रोडक्ट के, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है माइनस टू बाय ए क्या है के, ये आपका आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये टू बाय के होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाय, सी क्या है यहां पर थ्री के, ए क्या है आपका के, यानी के कैंसिल थ्री आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है सम ये बराबर है इस प्रोडक्ट के, यानी कि माइनस टू बाय के आपका बराबर है थ्री के, थ्री के नहीं थ्री के हिंदी का के, तो के इधर ले जाइए, के कितना आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री, ये वैल्यू है। तो आपका ये पहला पार्ट हुआ, अब अगला पार्ट हम अगली बार देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।